जहाँ पवन पवन बहे बहे संकल्प संकल्प लिए, लिए, जहाँ जहाँ पर्वत पर्वत गर्व गर्व सिखाते, सिखाते, जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे नीचे नीचे सब सब रस्ते, रस्ते बस बस भक्ति के भक्ति के सुर सुर में में गाते गाते हैं। हैं। बस बस लिए लिए समर्पण समर्पण तन मन तन मन से, से मैं मैं देव देव भूमि भूमि में में आता आता हूँ। हूँ। बस बस लिए लिए समर्पण समर्पण तन मन तन से, मन से मैं मैं देव देव भूमि भूमि में में आता आता हूँ। हूँ। है है भाग्य भाग्य मेरा मेरा सौभाग्य सौभाग्य मेरा, मेरा मैं मैं तुमको तुमको शीश शीश अब नवा हम यमुनोत्री दूँ। क्लिनिक कर रहे हैं, मैं तुम मसूरी और कैंपटी फॉल होते हुए यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं। जय हो, जय जय हो भोलेनाथ, जय हो गंगा मैया, जय हो जमुना मैया, जय हो जय हो जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो हर महादेव हर महादेव। हम यमुनोत्री जा रहे हैं। यमुनोत्री के मार्ग में अभी केम्प्टी फॉल से आगे चल रहे हैं और ये घुमावदार रास्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ है, यहाँ से उतरने में सिर्फ घुमावदार ही रास्ते पड़ते हैं। तो थोड़ी दूर ही जाना है, मगर उतनी दूर जाने में बहुत अधिक टाइम लगता है। जय हो जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, जय हो। ये अकलाट नदी है, ये उसका पुल है, ये अभी आगे जाके जमुना यमुना जी में मिल जाएंगी। जय हो जय हो। और ये अगलाट का पुल है, नदी नदी बहुत बड़ी नहीं है, मगर धारा अच्छी खासी तेज है। पहाड़ों में नदियों का प्रवाह बहुत तेज होता है, नदी छोटी भी होती है तो भी बहुत अधिक धारा तेज होती है। यहाँ से बड़कोट 63 किलोमीटर है, ये यमुनोत्री 114 किलोमीटर है, और आगे पुल है। ऊपर से ये पुल बहुत पास दिख रहा था कि बस तुरंत पहुंच जाएंगे, पर यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग गया, बहुत मेहनत लगी, क्योंकि रोड जो है पहाड़ की घुमावदार होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये यहाँ पे लोहे के पुल बने हुए हैं, जो पहाड़ों में ऐसे ही करके ज़्यादा करके पुल बनते हैं। जय हो जय जय हो गंगा मैया, जय हो भोलेनाथ। यहाँ से पानी बरसात में आता है और आते आते ऐसे हिसाब से बन गया है, लगता है कि कोई झरना ही रहा होगा। जय हो। ये आगा लाडा नदी और यमुना जी का संगम है, यहाँ पे दोनों का संगम होता है। यमुना जी हैं। जय हो यमुना भैया, जय हो यमुना भैया, जय हो। ये यमुना ब्रिज, जय हो। तो हमें इस तरफ से जाना है। जिस ओर से यमुना जी आ रही हैं, हमें उसी ओर से आगे बढ़ना है। जय हो जय हो जय। सूर्यपुत्री यमुनोत्री से निकली हुई यमुना जी को प्रणाम। यहाँ बहुत सुंदर उनका दृश्य है, पहाड़ों के किनारे किनारे घूम हुए निकली हैं। जय हो जय हो जय हो। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, सूर्य के एक पत्नी से दो बच्चे थे, एक यम और दूसरा यमी, तो यमी का नाम यमुनोत्री यमुना जी हो गया, और यम का यमराज
और दूसरी पत्नी से शनि देव थे। तो ये सूर्य की पुत्री हैं और जल के रूप में हैं, इनका मान भी बहुत अधिक है। ये यमुनोत्री से निकल के हुई जाती हैं और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जी में संगम हो जाता है, मिल जाती हैं। इनकी यात्रा वहीं तक होती है, वहीं से पूर्ण हो जाती है। जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना, जय हो। ये नैना बाग है, पहाड़ों के बीच में बस बसा हुआ एक गांव कस्बा है। ये नौगांव और बड़कोट से पहले पड़ता है, काफ़ी पहले है। यहाँ से बड़कोट 50 किलोमीटर है लगभग। ये यमुना जी में बना पुल है, पर हमें उस तरफ जाना ही नहीं है और ना ही यहाँ से रास्ता है, वो दूसरी तरफ से रास्ता है। हमें सीधे जाना है इसी रोड से। जय हो जय। आग लगी ऊपर भी, ये मेरे एरिया है ना। अच्छा, यही पे ट्रक हो जाएगा ये तो। इधर दम ले लियो है। ये आग लगी हुई है पहाड़ में की, बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं हो गया चारों तरफ, पूरे में धुआं। पहाड़ों में आग लगना बहुत खतरनाक होता है, इससे जल भी सूख जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कार्बन का ज़्यादा हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और पेड़ सूख जाते हैं, जल जाते हैं, पेड़ों के और घासों के जल जाने से मिट्टी एकदम ढीली हो जाती है। तो जब पानी बरसता है तो पूरी भर भरा के नीचे गिर जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है। तो इसका एक कारण ये भी है कि आग लगना, क्योंकि आग लगते ही सारे पेड़ जल जाते हैं, सूख जाते हैं, घासें भी जल जाती हैं। तो जो मिट्टी की पहाड़ की पकड़ होती है, जैसे ये मिट्टी को पकड़ रखा है, वो ख़त्म हो जाती है। मिट्टी जब बाढ़ आती है, बरसात तेज होती है, तो सब बहती रहती है, कटती जाती है। तो लैंडस्लाइड और ये पहाड़ों पे आपदा का एक प्रमुख कारण आग भी है, और हर जगह लगती ही रहती है पहाड़ों में। जय हो जय हो। आग इतनी ज़्यादा थी कि पैदल आने में बहुत आँच लग जाती, तो एक गाड़ी वाले के साथ बैठ के उस पार से इस पार आ गए, वरना उस पार रुकना पड़ता और इंतज़ार करना पड़ता जब तक आग कम न होती। हालांकि हवा तेज़ चल रही है, जब हवा चलती है तो आग फैलने का और ज़्यादा डर रहता है, खतरा रहता है, जिससे और समस्या बढ़ जाती है। जय हो जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया। गंगा जी का जल गैल्सेस निकलता है और वो एकदम सफ़ेद होता है, थोड़ा मटमैला होता है, पर यमुना जी का जो जल है, धारा है, ज़्यादा करके हरा ही होता है, हरा या नीला। हम डमटा पहुँचने वाले हैं, तो यमुनोत्री यहाँ से 88 किलोमीटर है। जय जय 88 किलोमीटर है, मतलब अभी यमुनोत्री पहुँचने में लगभग 3 दिन लग जाएंगे, 2 या 3 दिन, 3 दिन ही मान ही लीजिए लगभग। जय हो जय। ये शिव मंदिर है डमटा धर्मशाला। जय डमटा कस्बा।
यहाँ पर भी रुक सकते हैं, कई जगह रुकने की व्यवस्था है, हॉल है, कई जगह बहुत सस्ते में रुक सकते हैं। और धर्मशाला में भी मंदिर के ऐसे ही रुक सकते हैं। यहाँ पे लगभग सभी ढाबे जो है वहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं और काफ़ी कम किराए पे रुक सकते हैं। जो पैदल वाले हैं उनके लिए विशेष सुविधा रहती है, या तो नहीं ही लगता है या फिर बहुत ही कम लगता है। तो बहुत सारी जगह है, आप कहीं भी रुक सकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो भोलेनाथ। हम अभी डमटा से आगे आ गए हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बहुत ऊंची ऊंची, इतनी ऊंची कि इधर की हवा उधर नहीं जाती, उधर की हवा इधर नहीं आ रही, इसीलिए ठंडी हवा जो है वो यहाँ तक नहीं आ पाती है। जय हो, जय हो, जय हो। कि लाखा मंडल यहाँ से 5 किलोमीटर है, उस तट पे जमुना जी उस तरफ पहाड़ के ऊपर है। और आगे इधर हमें इधर जाना है यमुनोत्री के लिए। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो, जय हो, जय हो। यमुना जी का जल हर जगह हरा ही होता है और गंगा जी का सब जगह जल सफेद सा ही दिखता है। जय हो, जय हो। ये पुल है, ये पुल से उस तरफ लाखा मंडल गांव पड़ता है और हमें आगे जाना है। आज बलकोट तो नहीं पहुंच सकते, 9 गांव पहुंच जाएंगे। जय हो, जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया। यहाँ यमुना मैया की धारा तेज है। जय हो यमुना। ऊपर पहाड़ी पहाड़ हैं, ढेर सारे पहाड़। जय हो, जय हो, जय हो। चार तब पहाड़ी पहाड़। जय हो, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। अभी हम 9 गांव पहुंचने वाले हैं और तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश बस 9 गांव थोड़ी दूर पे है, मगर बारिश भी तेज होनी शुरू हो रही है। जय हो, जय हो। पहाड़ों में यही होता है, मौसम कभी भी बदल जाता है। अभी दिन में बहुत धूप था और शाम होते होते अब बारिश होने लगी। हालांकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मौसम अच्छा मिलता जाएगा ठंडा वाला, पर अभी बारिश तेज हो गई। ये 9 गांव का शिव मंदिर है, रोड से थोड़ी ऊंचाई पे है। बहुत सुंदर मंदिर है। आश्रम भी है, मंदिर भी है, तो आज का स्थान यहीं पे है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, अभी 9 गांव में है, 9 गांव के शिव मंदिर में यहाँ पे। और अब आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
नौगांव में शिव मंदिर है, अच्छा स्थान है महात्माओं के लिए, वो आराम से यहाँ रुकते हैं, भोजन प्रसादी रुकने सभी चीज़ की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। नौगांव भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और फिर भी पहाड़ों में ऐसे ही घर होते हैं, शहर होते हैं। ये नौगांव का चौराहा है मेन, और इस तरफ से यमुनोत्री का आगे जाने का मार्ग है। जय जय हो, जय जय हो, जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया। अभी हम नौगांव से बलकोट जा रहे हैं, यमुना मैया के किनारे किनारे ही। जय हो मैया, जय हो मैया। क्या होता है, पहाड़ ही पहाड़, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, जिससे मौसम में थोड़ा तो फर्क पड़ा है, पर विशेष नहीं, धूप फिर हो गई है। जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भोलेनाथ, जय हो यमुना मैया। हम यमुना मैया के धारक की विपरीत दिशा में जिधर से मैया आई हैं उधर जा रहे हैं। जय हो यमुना मैया। और ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं इनका भी आनंद लेते हुए चल रहे हैं, हालांकि ये चलने में चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, और सब जगह आग लगी हुई है, ज़्यादा करके जगह पे, इस पहाड़ पे भी आग लगी हुई है, और उस पहाड़ पे भी। ये जून का महीने में आग अक्सर लग जाती है, मई जून में पहाड़ों पे, जो कि बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें बुझाना नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि आप चढ़ के इनके अगल बगल सफाई नहीं कर सकते हैं, आप पानी का बौछार भी नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर से ही पानी छोड़ना पड़ेगा। तो पहाड़ों पे आग लगना बहुत भीषण होता है, और जब आग से ये घासें हैं, जो छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, सब जल जाते हैं, तो पहाड़ खाली हो जाता है और मिट्टी भसकनी शुरू हो जाती है। जब नीचे की मिट्टी भसकती है धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर जहाँ तक घास है वहाँ मिट्टी नहीं भसक रही है, उसके नीचे भसक रही है, तो धीरे धीरे भूस्खलन होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे और बड़े रूप में हो जाता है, फिर बड़े पत्थर भी गिरने लगते हैं। ऐसे ही करते करते पूरा पहाड़ ही बिगड़ जाता है। जय हो, जय हो। तो आग बहुत ख़तरनाक है, पहाड़ों की आग हर जगह बहुत ख़तरनाक है, जंगलों की, पेड़ों के लिए, पशु पक्षियों की, और पहाड़ों के लिए भी। जय हो। और ये ज़्यादा करके हमारी ही गलती से होती है, या तो जानबूझ के होती है या अनजाने से, पर होती सिर्फ मनुष्य के ही द्वारा, क्योंकि मनुष्य ही केवल है जो आग पे नियंत्रण रखता है, जो जला सकता है कहीं भी, ज़्यादा करके, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम है, एरिया है, तो पेड़ों के रगड़ने से आग तो लगने से रही। तो इसलिए ये मनुष्य की ही गलती की वजह से आग लगती है, ये एकदम स्वाभाविक है। जय हो। वो जानबूझ के हो या अनजाने में ही पूरे में आग लगी हुई है। जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें ज़रा सा भी इस बात का एहसास नहीं है, शायद होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी त्रासदी को की एक शुरुआत में और सहयोग कर दिया है, क्योंकि जब प्रकृति का अपना हिसाब सेट करती है फिर से सही करने में, तो फिर सब की हानि होती है और मनुष्य की भी। तो कुछ भी होता है तो वो मनुष्य के ही कर्मों पर निर्भर होता है,
प्रकृति जब भी कुछ बनाव बिगाड़ करती है मनुष्य की वजह से ही करती है। जय हो जय हो जय श्री राम। ये उत्तर बालकोट का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से यमुनोत्री के लिए बस मिलती है और उत्तरकाशी के लिए भी मिलती है। उत्तरकाशी पुल के उस सब से मिलती है और यमुनोत्री के लिए यहाँ से मिलती है। जय हो जय। ये बालकोट, ये बालकोट का टूरिस्ट हाउस। जय ये बालकोट शहर है, काफ़ी बड़ा स्थान है बालकोट और शायद यमुनोत्री से पहला सबसे बड़ा स्थान है या लास्ट सबसे बड़ा स्थान है ये, जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शहर जैसा है पूरा का पूरा। यहाँ से यमुनोत्री अभी 46+5 है, मतलब 50 किलोमीटर लगभग। धरासु बैंड 56, उत्तरकाशी 84, गंगोत्री 186। जय हो जय हो जय। नौगांव 11 किलोमीटर विकास में अभी 5 किलोमीटर और चलना है, शायद कल तक पहुंच जाएंगे। जय हो जय हो जय हो। ठंडा हरा भरा जंगल, सब जगह सुंदर और ये बोर्ड देख के बड़ी खुशी हुई, ऐसा लगा कि मैं इंग्लैंड में आ गया हूँ। यमुनोत्री रोड बालकोट यूके। तो यहाँ मौसम भी वैसा ही है, पेड़ भी वैसा ही है, सब कुछ वैसे ही है, घर और काफ़ी ज़्यादा वैसे ही हैं और बसें भी यूके के नाम से ही चलती हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड यूके में है। जय हो। बालकोट में, बालकोट से जब एक रास्ता यमुनोत्री के लिए जाता है इस तरफ और बाकी उत्तरकाशी और गंगोत्री को जाता है। ये रास्ता उत्तरकाशी और गंगोत्री की ओर जाता है और ये वाला यमुनोत्री की ओर जाता है जिधर हमें जाना है। बालकोट शहर से 1 किलोमीटर पहले ही यह पड़ता है, ये भी बालकोट ही पर यहाँ से ही उत्तरकाशी के लिए जा सकते हैं। ये बालकोट बैंड है, बालकोट बैंड के नाम से है। तो इधर यमुनोत्री के लिए और ऊपर वाली रोड गंगोत्री के लिए। जय जय। ये जियो ने सब जगह नेटवर्क डाल रखा है, ऐसा दिखा रहा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। अब देखते हैं कहाँ तक नेटवर्क मिलता है। ये नई दुकान या रेस्टोरेंट बन रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। देव ये बालकोट में पहाड़ हैं और उस तरफ बहुत दूर ततेश्वर महादेव का मंदिर है। जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया। दूर दूर तक पहाड़ ये और चारों तरफ ही पहाड़ है और पहाड़ों पे ये बड़े बड़े पेड़ ऊँचे ऊँचे
बड़कोट से यहाँ तक आगे की रोड काफ़ी चौड़ी है। अब आगे हो सकता है पतली हो, पर यहाँ से तो काफ़ी चौड़ी है। जय हो जय। जल इतना साफ है कि इतनी ऊपर से भी नीचे की चीज़ें दिख रही हैं। जय जय। जबकि गंगा जी का पानी सफ़ेद मटमैला होता है, तो इसलिए इतना साफ दिखता नहीं, पर एकदम साफ है। जय हो जय हो।